हेलो गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूँ ये स्पेशली मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, यानी कि मुस्लिम फैमिलीज से रिलेटेड है। आमतौर पर ये देखा गया है कि बहुत सारी फैमिलीज के अंदर वाइफ के नाम पर भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सपोज कोई ऐसी लेडी है जिसके नाम कुछ प्रॉपर्टी है और वो एक्सपायर हो जाती है, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद उनका एक हस्बैंड है और उनके दो या तीन बेटे हैं या बेटियां हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आमतौर पर ये क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे उस लेडी की प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा। लोग ये समझते हैं कि किसी भी लेडी के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके हस्बैंड के नाम ट्रांसफर हो जाएगी मुस्लिम लॉ के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंदर जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का जो डिवीजन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। किसका शेयर कितना है ये पहले से ही द होली कुरान के अंदर कोडिफाइड है। इसके अलावा मुस्लिम लॉ के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हस्बैंड का कितना शेयर होगा अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी में अगर वो मर जाती है, और बच्चों का कितना शेयर होगा अपनी माँ की प्रॉपर्टी में। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, अगर किसी लेडी के पास 100 गज जमीन है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके हस्बैंड का शेयर जो होगा वो उस प्रॉपर्टी के अंदर 25% होगा। 25% का मतलब ये है कि अगर 100 गज जमीन है तो ऑटोमेटिकली उसके हस्बैंड का 25 गज जमीन उसके नाम में आ जाती है। इसके बाद जो शेयर बचता है वो बचता है 75 गज। अब अगर मान लो उस लेडी के दो बेटे हैं या उसके तीन बेटे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उन तीनों बेटे को उसमें से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 25, 25 और 25 गज, यानी कि टोटल 75 गज होके उन तीनों का डिवाइड उसमें हो जाएगा। एक चीज और जो यहाँ पर बतानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर दो लड़के हैं एक लड़की है, तो ये ध्यान रखिए कि मदर की प्रॉपर्टी में मुस्लिम लॉ के अंदर जो शेयर होता है बच्चों का वो भी इक्वल होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक मिसकंसेप्शन जो हमारे समाज में फैला हुआ है कि वाइफ की प्रॉपर्टी मरने के बाद सारी की सारी उसके हस्बैंड के नाम हो जाती है, ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्शन है। इससे रिलेटेड आप मुस्लिम लॉ में कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी का डिविजन किया जाए, कैसे प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।